Assalamualaikum, Sabra cooking और Sabra cooking में आज हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप बना सकते हैं कोल्सलो यानी गोभी वाली मायोनीज। तो इसके लिए आपको चाहिए होगा बन गोभी, और इसको आपको इस तरीके से काटना है कि ये लंबा लंबा कटे। तो आप छुरी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं कद्दूकश, लेकिन आप याद रहे उससे इतना सही कटेगा नहीं जैसा छुरी से कटना चाहिए। तो इसके लिए आपको पूरा फुल बॉल करके ये गोभी चाहिए होगी। हमने गोभी को काट के पूरा बाउल भर लिया है, और अब हम लोगों को करना है अगला स्टेप। तो हमें चाहिए होगा एक खाली बाउल, और उसके अंदर हम लोगों को डालना है एक कप मायोनीज। किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, चाहे जैसे भी आपको पसंद हो। अगर आपको नहीं पता तो कोई सी भी कंपनी के आप जाके ले आएँ, सारे मायोनीज तकरीबन एक ही जैसे होते हैं। बाकी आपको घर पर बनाने का भी तरीका हम बताएंगे कि किस तरीके से आप घर पर मायोनीज बना सकते हैं, वो भी बहुत ईजी है, वो भी एक बाजारी टेस्ट देगा। तो अब इसके साथ हमें चाहिए होगा 1 टीस्पून सॉल्ट, आपको नमक डाल लेना है। नमक का खास ख्याल रखें क्योंकि नमक से ही आपका टेस्ट खुलने वाला है। अब डालनी है 1 टेबलस्पून चीनी, और याद रहे चीनी 1 टेबलस्पून ही डालनी है, इससे ज़्यादा नहीं डालनी। फिर इसके बाद हम लोगों को चाहिए होगा 1 टीस्पून ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च, और इसका भी पाउडर ही है। फिर हम लोगों को चाहिए होगा 1/4 टीस्पून विनेगर यानी कि सिरका भी इसमें जाता है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर जाने के बाद अब हम लोग इसको अच्छी तरीके से हिला लेंगे। अभी भी रह गया एक स्टेप जो कि अभी बाकी है, वो अभी आपको आगे वीडियो में चलते हुए बताएंगे कि क्या रह चुका है अभी मज़ीद। तो उसको हिलाने के बाद अच्छी तरीके से फिर हम लोगों को इसके अंदर ऐड करनी होगी गोभी। तो यहाँ पे हमने पूरा बॉल ऐड करा है, जैसा कि हम लोगों ने काटा था उतना ही पूरा ऐड कर चुके हैं। अब हम लोग इसको अच्छी तरीके से फिर मिलाएंगे। इसके बाद एक और स्टेप है जो कि बहुत ज़रूरी है, अगर वो नहीं होगा तो फिर ये नहीं बनेगी उस तरीके की जैसी आपको बाजारी टेस्ट आता है, आप जिंगर में खाते हैं या फिर आप अंडे वाले बर्गर में खाते हैं। इस तरीके की जो आपको चाहिए होती है बिल्कुल उसी तरीके से आपको करना है जैसा हम लोग बता रहे हैं। तो इसके लिए हम लोगों को हिला लेना है, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और एक बात याद है, अगर आपकी ज़रा सी ये ऐसा लगता है कि आपकी जो गोभी वो ज़्यादा हो गई, तो थोड़ा सा मायोनीज और मिला लें आप इसके अंदर। तो मायोनीज और डालने के बाद इसको हम लोग हिला लेंगे जैसा हमारे साथ हुआ। इस तरीके से हो सकता है आपके साथ भी हो, तो मायोनीज एक्स्ट्रा करके उसमें हल्का सा नमक और ऐड कर लें। अब हम लोगों को चाहिए होगा 1 टेबलस्पून लेमन का जूस यानी कि लीमू का रस, और इसको भी अपने इसमें डालना है, लाजमी है, ये बहुत ज़रूरी है। इसी की वजह से सारा टेस्ट खुलने वाला है, क्योंकि यही टेस्ट को बढ़ाता है, वो उस तरीके का मज़ा आता है जो आपको चाहिए। तो इसको फिर अच्छी तरीके से मिलाने के बाद ये आपकी जो बन गोभी की मायोनीज़ है वो तैयार है। आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ मायोनीज़ डाली और उसके ऊपर ये डाल दिया यानी गोभी डाल दी तो ये मायोनीज़ तैयार हो गई, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। इस तरीके से ये तैयार होती है। काली मिर्च आप अपने हिसाब से रख सकते हैं थोड़ा सी, क्योंकि ये बाद में टेस्ट में आती है मुँह में, तो आप इस अपने हिसाब से रख सकते हैं उसको। बाकी ओवरऑल जो है मायोनीज़ वो बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन है, और आप इसको टेस्ट करेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कितनी ज़्यादा लजीज़ बनी है ये उस हिसाब से जैसे ही आपको बाज़ार में मिलती है। और इवन अक्सर ऐसा भी होता है कि ये बाज़ार से ज़्यादा अच्छी बन जाती है जैसी हमारी बनी है। तो आप हमारी ट्रिक को अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल ऐसी ही बनेगी जैसी हम लोगों ने बताइए। आप अभी अपने फ्रिज में आप रख सकते हैं एक हफ्ते के लिए आराम से इसको संभाल के। और बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको और मज़ीद कौन सी वीडियोस चाहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।